بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المهد الى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم बादा न लिया है न कोई जाम लिया है सुभान अल्लाह बादा न लिया है न कोई जाम लिया है जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है सुभान अल्लाह बेशक बादा न लिया है न कोई जाम लिया है जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है अब खौफ है रहजन का न गुमराही का खतरा दामाने मदारे तो जहां थाम लिया सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैंने उदयपुर इससे पहले एक हाजिरी हुई है मेरी जब कोई पूछता है कहां जा रहे हैं मैंने कहा उदयपुर पूछता है मैं मकनपुर में ही रहता हूं पूछता है कितने टाइम की फ्लाइट है मकनपुर में रहता हूं पूछते उदयपुर की कितने टाइम की फ्लाइट है मैंने कहा मैं वो वाले उदयपुर थोड़ी ना जा रहा हूं जो एमपी राजस्थान में है ये अपना बरेली वाला उदयपुर है जहां से कभी मदारियत का उदय हुआ करता था सुभान अल्लाह बेशक एक भारी तादाद बड़ी तादाद यहाँ पर सिलसिले मदारिया की शाह बिरादरी की बस्ती है जी बेशक ये ऐसी कौम है जिसकी एक हिस्ट्री है एक तारीख है मैं हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह कल्याण जब पहुंचा तो वहां के मुरीदीन ने जो ट्रस्टी हैं वहां के वालिद साहब के उन्होंने कहा हुजूर इनकी तारीख अभी तक मुकम्मल नहीं है इन पर कोई तारीख इनकी मुकम्मल लिखी जाए मैंने कोशिश शुरू की हजरत हाजी मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह कल्याण उनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू की जब मुकम्मल हुई तो बाबा जान ने कहा कि मुरीद का जिक्र कर रहे हो और पीर को छोड़ देते हो अरे इनके पीरों के पीर पीर का नाम हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है पहले उनका जिक्र किया मैंने उनका लिखना शुरू किया जब उनका कंप्लीट हुआ कहा अरे अभी जिनका जनाजा 12 साल तक चलता रहा वो हजरत कुतुबे गौरी कोलार शरीफ उनका भी तो जिक्र रह गया है वो भी तो मलंग है चलो भाई उनका भी लिख दिया कंप्लीट हुआ कहा हाजी हजरत मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी उनकी भी लिखो अब मैं लिखता रहा लिखते 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 350 पेज हो गए लेकिन उन 350 पेजों में सिर्फ दीवानगान गिरोह के मलंगों का तस्किरा भी मुकम्मल नहीं बेशक सुभान अल्लाह अब सोचिएगा उसी इसना में एक किताब हाथ लगी जो सन 1760 में लिखी गई थी क्योंकि यहाँ शाह बिरादरी के लोग बसे हुए हैं तो आपको आपकी हिस्ट्री बताना ये हमारा फर्ज है हम पर जरूरी है कि आपके ताल्लुक से हम बताएं सिलसिले मदारिया में तकरीबन हर बिरादरी के लोग मौजूद हैं इस सिलसिले में सादात मकनपुर शरीफ भी हैं सादात मकान शरीफ जो के पंजाब में है वो भी हैं
इस सिलसिले में पठान भी हैं, खान भी हैं, अंसारी भी हैं, मंसूरी भी हैं, मेव बिरादरी तो सरकार मदार के खलीफा हजरते सरकार हजरते सरकार के एक खलीफा थे सरकार मदारे पाक के, और उनका ईमान लाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। सरकार जब मेवात पहुंचे तो एक शख्स था जो गाय चराया करता था। सरकार मदार पहुंचे, उसने देखा एक बुजुर्ग आ रहा है जिसके चेहरे पर सात नकाब है। देखा अपनी गाय को हकाता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और मालिक से कहा, यह ले तेरी शिला सांगड़ी, यह ले तेरी गाय, हम पर मेहर मदार की हम किसकी चरावा गाए। बुलबुल मदार के कदमों में आया, ईमान लाया, मेवात का पहला कलमा पढ़ने वाला, उसका नाम हजरते चौहर सद्दी रहमतुल्लाह अलैह। जितने भी मेवाती कलमा पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के तवस्सुत से या इनके करीबी मलंगों के तवस्सुत से साहिब ईमान हुए हैं। तो मेवाती हो, पठान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, सादात हो, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन शाह बिरादरी का जो ताल्लुक मदारिया सिलसिले से है, जब मैंने किताब देखी 1760 में एक किताब लिखी गई, किताब का नाम था हफ्त तमाशा, फारसी में थी, मुसन्निफ का नाम है अमीर हसन। इनके वालिद गैर मुल्क थे लेकिन वो ईमान लाए और बादशाहों के मुगल के जमाने में ये मकनपुर शरीफ मदार की छड़ियों के साथ आए। उन्होंने हफ्त तमाशा के अरबी फारसी के उर्दू तर्जुमे में जो के इस वक्त रेख्ता में मौजूद है, उन्होंने लिखा कि अगर, गौर से सुनिएगा, अगर असनाए राह में कहीं पर तकिया नाम की कोई जगह मिले तो समझ जाना कि मदारिया सिलसिले के किसी शाह का मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए यार, ये तकिया क्या होता है? वो जो सर पे लगाते हैं? नहीं भाई, आज से 800 साल पहले जब मदरसे नहीं थे, हमें जब मुसलमान ही नहीं थे तो मदरसे कहां से होंगे जी। आज से तकरीबन 800 साल पहले जब उलमा नहीं थे, जब मुसलमान ही नहीं थे तो उलमा कहां से होंगे? ये तो अभी सब पैदा हुए हैं ना, अभी ये तहरीकें चली हैं ना, तो उस दौर में मदरसे क्या हुआ करते थे और उलमा कैसे हुआ करते थे? अल्लाह अल्लाह, गौर से समाप्त कीजिए। उस दौर के मदरसे का नाम तकिया हुआ करता था और उस दौर के आलिम का नाम मलंग हुआ करता था। सुभान अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, 300 साल पुरानी तहरीर बता रही है। सिर्फ अवध में लिखा हुआ है 1850 की मर्दुम शुमारी में कि सिर्फ अवध में ही सिलसिले मदारिया के 1,48,000 मलंगाने कराम हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सोचिए तकरीबन कुतुबुल मदार ने 20,00,000 मदरसे उस दौर में कायम फरमाए। सुभान अल्लाह। आज इनको मदरसा कहा जाता है, उस जमाने में उसको तकिया कहा जाता था। मथुरापुर में भी है, बरेली शहर में भी तकिया है, मुरादाबाद के आसपास संभल में भी तकिया है, मदारे पाक का चिल्ला भी है। ये सारे तकिये उस दौर के मदरसे थे और बैठकर तालीम देने वाला मलंग हुआ करता था या शाह हुआ करता था। सुभान अल्लाह। या तारीख है, दुआ कीजिए ये किताब मुकम्मल हो। इसमें सिलसिले के तमाम मलंगाने कराम का तस्किरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल से लगा हुआ हूँ। दुआ कीजिए काम मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला मदार पाक से मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। मैं नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, अगर साथ दिया साउंड ने तो पढ़ता हूँ, और जो लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हुए हैं, वो इधर आ जाए सामने। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शख्स के आसपास तो बाल हैं लेकिन बीच में गंज हो गया।
तो ये बीच का जो गंज है वो पूर कर लीजिए, इधर आ जाइए, सामने बैठ जाइए, या कुर्सी वाले कुर्सी बढ़ा कर आगे ले आए। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं जब भी किसी जलसे में जाता हूँ तो उस वक्त उठता हूँ, उठाया जाता हूँ जो तहज्जुद का वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो ये वक्त दुआओं की कबूलियत का है। थोड़ा सा जिंदगी पैदा करें, मोहब्बत से हाथ उठाकर एक बार कह दें सुभान अल्लाह।